नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको 14 फीट बाई 12 फीट का एक किचन का डिजाइन दिखाऊंगा और किचन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो सीधा ही जो घर के मालिक हैं शांता जी सुराना, उनसे मैं आपको मिलाऊंगा और उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है किचन में वो इनकी सब डिटेल हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये काम सब हमने ही किया है तो मिलाता हूँ। नमस्ते शांता जी। नमस्ते। मुझे ये बताइए कि आपको ये किचन में क्या क्या प्रॉब्लम आई। वैसे हमको देखो, ये टॉप तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये टॉप में वोल्गा ब्लू लगाया हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। और ये थोड़े ये लकड़ी के गेट लगाने से हमको थोड़ा तकलीफ हुआ है, अंदर में वो मार्बल होना चाहिए। हाँ। तो वो बहुत बेटर रहता है। हाँ। और तीसरा ये सिंक थोड़ा रॉन्ग लग गया है। हाँ। इसमें क्या बाहर पानी आता है, बाहर से अंदर नहीं जाता है पानी। हाँ। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, बाहर की जो आउटर है ये हाँ। नहीं होना चाहिए, थोड़ा इनसाइड रहना चाहिए। अच्छा, ये इनसाइड रहना चाहिए। तो इसमें दोस्तों जो प्रॉब्लम आई है, ये एक तो पत्थर 1.25 इंच का है और ये भी लगभग यही है। हाँ। तो वो वहां पे गैप नहीं मिला, इसकी वजह से ऊपर कर रखा है। तो अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ये देखिए, ये सब सिलिकॉन लगाया हुआ है। हाँ। और जो पानी जो है, पानी यहाँ से अंदर जा रहा है और इसमें अंदर जाके फिर ये पूरा खराब होता है, अंदर में वो डैम्प आ जाती है पूरी। ये देखिए, ये पूरा पानी से थोड़ा प्लाई भी फूल गया है। तो आप जो पार्टीशन की बात कर रहे थे, ये पार्टीशन की बात कर रहे थे। हाँ। ये लकड़ी की जगह मार्बल के लगाए। हमको मार्बल लगाना था लेकिन हाँ। ये करने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि कॉकरोच वगैरह बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ। तो ये दिक्कत आती है हमको। हाँ हाँ। मार्बल रहने से बहुत अच्छा रहता है, जितना कम लकड़ी का काम हो उतना अच्छा रहता है। हाँ हाँ। तो आप थोड़ा खोल के बताएंगे ड्रॉवर सभी। हाँ हाँ। ये देखिए, अगर कॉर्नर में आप ये लगाते हैं तो ये चीज ऐसे डोर का एक आइडिया ले सकते हैं आप। हाँ, ऐसे कॉर्नर ऐसा लिया तो कॉर्नर साइड ऐसे मिल सकती है अपने। हाँ, ये दूसरा बता दीजिए आप। और ये सब ड्रॉर्स क्या है, ये थोड़े कंफर्टेबल तो है लेकिन ये अंदर इनका तो यही होगा। हाँ। ये तो अच्छे हैं एकदम। तो चैनल कौन सी कंपनी की यूज की आपने? ये तो स्टील की है। लेकिन इसमें भी जंग आ गया ना, इसमें जंग आ गया। ये कोई बहुत बेटर कंपनी नहीं बोली, लेकिन बोले भी थे वो। हाँ, लेकिन अच्छा नहीं निकला ये अच्छा नहीं निकला चैनल। देखिए दोस्तों, अगर चैनल अगर लोकल टाइप की लेते हैं तो ये जंग पूरा आ गया है। स्टेनलेस स्टील लेना चाहिए, लेना है तो फिर अच्छा है एकदम क्वालिटी का। इसमें ये हमने लेकिन उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, चीटिंग हो गया। सामने वाला बोल के तो वैसा ही दिया लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ गई। ऐसे बीच में ये ले सकते हैं आप। ये बोटलों के लिए ये अच्छा है, बेस्ट स्लीक भी है और अच्छा भी है। फिर ये सब ठीक है अपने हिसाब से, ये तो अपने हिसाब से करना है। हाँ। किसी को क्या ऊपर चाहिए, किसी को नीचे चाहिए, तो इस तरह से अपने हिसाब से ले लो। हाँ। हो जाता है। फिर ये वाला ये पार्टी ओके पार्टी ठीक है। हाँ, ठीक है, मतलब कंफर्टेबल है ये भी। हाँ। ऐसे जैसे देखिए, ये अपने डाइनिंग टेबल टाइप ही बनाया आपने। हाँ, ये सोच के ही बनाया, डाइनिंग के हिसाब से ही बनाया कि उधर चेयर रखे हम इधर खाना खा सकते हैं, तो बेटर कंफर्टेबल है अभी ये। ये थोड़ा खोल के बता। हाँ, ये कॉर्नर है। हाँ। तो कॉर्नर में भी बेटर है ये भी। हाँ। इसमें भी थोड़ा करना, तो आप थोड़ा वो ट्रॉली टाइप का कुछ करना इसके अंदर तो बहुत बेटर रहता है, ये थोड़ा कंफर्टेबल कम है। अच्छा अच्छा। तो आपको ये यहाँ पर ट्रॉली लगवानी थी। हाँ, ट्रॉली लगवानी थी। फिर पहले क्या वो हो चुका तो फिर बाद में बोला कौन तोड़ेगा, कभी देखेंगे बाद में वापस। हाँ हाँ। इसके लिए एक और खोली आप। हाँ। ये देखिए दोस्तों, अगर आप चाहे तो ट्रॉलियां लगवा सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये अच्छा रहता है, उसमें सामान रख के बाहर खींच सकते हैं आप। तो यहाँ पे भी आप सब लकड़ी यूज की है? सब में लकड़ी कर दी है। हमको करने के बाद पता चला कि ये नहीं करना हो। अच्छा अच्छा। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बोलेंगे, लकड़ी की जगह मार्बल, लकड़ी की जगह मार्बल स्लेब लगाए तो बेटर रहता है अंदर। अच्छा, में बेटर रहता है, ज्यादा बेटर रहता है वो। हाँ हाँ। क्योंकि गेट तो लकड़ी के ही होंगे, अंदर मार्बल रहने से सफाई अच्छी होती है एक तो। हाँ। दूसरे कॉकरोच नहीं होंगे। हाँ हाँ। हाँ, तो ये वजन भी वो अच्छा ले लेते हैं, तो इसमें थोड़ा ट्रॉली का लिया तो बेटर है कि बाहर खींच के आप कंफर्टेबली चीज रख सकते हैं अंदर। हाँ हाँ। सफाई अच्छी होती है उसकी। और ये इधर ये थोड़ा बता दीजिए। हाँ हाँ। और ये तो ड्रॉर्स हिसाब से, अपने हिसाब से ड्रॉर्स तो कंफर्टेबल है। हाँ। ऐसे ड्रॉर्स हाँ। कर सकते हैं क्रॉकरी वगैरह रखने के हिसाब से। हाँ। फिर ये छोटे छोटे ड्रॉर है, ये इनमें ट्रोलिया है तो ये बेटर है। अच्छा, चैनल है तो ये अच्छा है। सब लकड़ी की यूज की है, ये लकड़ी यूज की है इसमें तो। ये इसमें स्टील नहीं है, इसमें लकड़ी बेटर है, ज्यादा स्टील चारों तरफ वो भी अच्छा नहीं है इसके लिए। ये इसमें थोड़ा कर लेते ना मार्बल तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये इसमें भी लकड़ी कर दी है उसने। अच्छा अच्छा। ये पूछे नहीं हमको, बिना पहले ही हो गया था ये सब चीज, बाद में हमको लगा कि ये करते तो बहुत बेटर रहता। ऐसे हो गया। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लकड़ी यूज कर रहे हैं तो आपको लकड़ी में प्रॉब्लम आएगी। तो जो जैसा कि शांता जी बोल रहे हैं
कि सब जगह पे मार्बल होता तो इनको बहुत ही अच्छा होता। हाँ, पार्टीशन में मार्बल सभी हो गया। तो अगर आप भी नया किचन बना रहे हैं तो आप लकड़ी की जगह मार्बल लगा सकते हैं। जैसे ऊपर में बहुत अच्छा है, मार्बल है अंदर, ऊपर में ये इसमें मार्बल है अंदर। अच्छा, इसमें पूरा मार्बल लगाया है। नीचे मार्बल है इसमें, पट्टी में नीचे कॉम्बिनेशन किया है तो इसका लकड़ी का, लेकिन अंदर बहुत अच्छा है ये बनाया हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे शांता जी जिन्होंने जानकारी दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।